धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इस मस्जिद को, जिसको गरीब नवाज मस्जिद कहा जा सकता है, जो यहां के तहसील परिसर में, राम सनेही घाट जो तहसील है उसके परिसर में मौजूद थी, 100 साल से पुरानी मस्जिद थी वो, उसको रात के अंधेरे में ढा दिया गया, वहां से पूरा मलबा भी साफ कर दिया गया है। उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं जिनके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन एक पहलू जो बहुत बड़ा है, जो कि कानूनी पहलू है, क्योंकि प्रशासन कह रहा है यहाँ कोई मस्जिद ही नहीं थी, यहाँ तो आवासीय क्षेत्र था, वो भी अवैध रूप से बना हुआ, इसलिए हमने उसको हटा दिया है। लेकिन उसी तरीके से दूसरी बात भी प्रशासन कह रहा है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है, उसने जो अवैध निर्माण हटाने की बात कही थी, धर्म स्थल जो जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए हैं, उसके तहत हमने इसको हटाया, ये दूसरी चीज आ जाती है। इसके अलावा तीसरा पक्ष मस्जिद वालों का है, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ पे मस्जिद थी, 1968 से हमारे पास वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है, 1959 से हमारे पास बिजली का बिल है, और 100 साल पुरानी ये मस्जिद थी, और किसी को लेकर, किसी से को भी इस मस्जिद को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये सारे सवाल हैं जिनके कानूनी जवाब आने चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं एडवोकेट जफर याब जिलानी जी, नाम ही काफी है उनका, और वो इस मामले पर किस तरीके से चीजें रख रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है सर कि आपके जो दावे हैं, आप जो कह रहे हैं कि मस्जिद इतनी पुरानी है, वो दावे क्या क्या हैं आपके? देखिए, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, यूपी में कंसर्वेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट का एक्ट 1954 में आया था जी, उसके तहत 1960 में इस इलाके में चकबंदी हुई। ठीक है, चकबंदी में पहला डॉक्यूमेंट जारी होता है फॉर्म 2A जी, एग्जिस्टिंग पोजीशन दी जाती है जी। तो उस डॉक्यूमेंट में एक प्लॉट पर तहसील मस्जिद पाठशाला लिखा हुआ है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है, ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1960 से पहले से ये मस्जिद वहां मौजूद थी जो वहां रिकॉर्डेड है। ठीक है, उसके बाद दोबारा वहां से बंदी हुई 1990-91 में, उसके भी कागजात में वही लिखा हुआ है जी। दोनों मरतबा जी चकबंदी का कानून ये है कि जो चकबंदी खत्म होती है तो एक फॉर्म 45 सीएस फॉर्म 45 जारी होता है सर, उस सीएस फॉर्म 45 में को फाइनल माना जाता है जी। तो दोनों मरतबा चकबंदी में जब ये मस्जिद पर मौजूद थी तो इंतजामिया ने, सरकार ने कोई एतराज क्यों नहीं किया कोई मस्जिद को वहां से खारिज कराने के लिए? तो अब जब वहां सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है जी, तो ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? ठीक है, ऐसा जो अग्रवाल साहब का जजमेंट है जी, वो ये कहता है कि अगर कोई सड़क के किनारे जी कोई इमारत बना ले जिससे सड़क में आने जाने वालों को तकलीफ हो जी, तो वो इमारत को आप मुनजिम कर दीजिए जी। तो ये तो सड़क से तकरीबन 100 फीट दूर पे है, बिल्कुल सड़क का नंबर भी उसमें दिया हुआ है नक्शे में जी। तो अग्रवाल साहब का जजमेंट तो इसमें अप्लाई ही नहीं करेगा जी, और उन्होंने 2011 तक के लिए कहा है जी, ये तो 1960 के पहले की चीज है। अगर 1960 से पहले की चली आ रही है तो अग्रवाल साहब के जजमेंट से अभी कौन हटाएगा? मतलब ये ना तो कोई डीएम का ऑर्डर है, डीएम और एसडीएम, अब एसडीएम जो ऑर्डर दिखा रहा है वो दिखा रहा है न्यूसेंस का जी, तो न्यूसेंस कैसे वो मस्जिद हो जाएगी? हाँ, कोई नई चाबी उसमें अगर है जैसा वो कह रहे हैं कमरा लैट्रीन, तो वो नई तामीर पर अप्लाई करेगा उनका ऑर्डर, वो न्यूसेंस हो सकता है, उसका तो अलग से कोई कार्रवाई होगी ना। ठीक है, मस्जिद कैसे डिमोलिश कर देंगे? ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं। आप लोगों का एक दावा तो सबसे बड़ा मजबूत ये है कि 1960 के अंदर जो चकबंदी हुई और 1990 में जो चकबंदी हुई उसके तहत रिकॉर्ड में दर्ज है मस्जिद। इसके अलावा आप लोग कह रहे हैं कि ये जो है सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है 1968 से, और इसका बिजली का बिल भी है, ये भी आपके दावे में शामिल है? नहीं, देखिए, वक्फ बोर्ड में दर्ज होना ये बिल्कुल सही है और वक्फ बोर्ड इसीलिए इसको खुद भी चैलेंज करने की सोच रहा है जी। लेकिन वक्फ बोर्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है सरकार का जी। वक्फ बोर्ड में सरकार जो है वो वहाँ पार्टी नहीं होती है जी। वो हमारा इंतजामी मसला होता है जी। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड चकबंदी का है, बिल्कुल, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कहलाता है जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद है ये, तो इसलिए हम ज्यादा जिक्र कर रहे हैं जी।
जिले के हर डीएम को सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि राजस्व अधिकारी कहा जाता है, और आप कह रहे हैं कि 1960 के राजस्व रिकॉर्ड में, 1990 के राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद दर्ज है, तो फिर डीएम कैसे कह रहे हैं कि अवैध रूप से बना हुआ आवासीय क्षेत्र था, हमने उसको तोड़वा दिया, वो मस्जिद भी नहीं बोल रहे उसको? यही तो सवाल है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वो किसी को जवाब नहीं दे रहा है, हाईकोर्ट को जवाब देना पड़ेगा उसको जी। और खुद 18 अप्रैल 18 मार्च का जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई के लखनऊ बेंच का ऑर्डर है, उस वक्त सरकार की तरफ से सरकारी वकील ने ये कहा कि हमने मस्जिद को डिमोलिश करने का नोटिस अभी नहीं दिया है जी। ये हमने उनसे कागजात मांगे हैं, वो कागजात डीएम के वहाँ ऑफिस में 1 अप्रैल को दाखिल कर दिए गए, ये सब चकबंदी के कागजात, और हाईकोर्ट का डायरेक्शन था कि आप फ्रेश ऑर्डर पास करेंगे। जो ऑर्डर कहाँ है डीएम का, डीएम या एसडीएम किसी ने कोई ऑर्डर पास किया हाई कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक, उसके बारे में डीएम कुछ नहीं कह रहा जी। ना कोई एसडीएम कह रहा है जी। तो न्यूसेंस की कार्रवाई एक दिन में मुकम्मल कर दी, 3 अप्रैल को शुरू की, 3 अप्रैल को मुकम्मल कर दी जी। ये कोई कानून है हिंदुस्तान का कि आप जो है वो सेम डे कार्रवाई शुरू करें, सेम डे में खत्म कर दें? वो तो कह रहे हैं कि हमने ले जाके नोटिस चस्पा कर दिया, कोई वहां मिला नहीं, किसी ने कोई जवाब दिया नहीं, वो क्या कह रहे हैं? डेट क्या है, 3 अप्रैल के ऑर्डर में ये मेंशन है और 3 ही अप्रैल का लिख रहा है नोटिस हमने भेजा है, तो कैसे ये कार्रवाई कब तक चली? सुबह से बैठे हुए रात तक चलाते रहे, नोटिस का सर्व करने आदमी गया, नोटिस सर्व किया उसने, लगा दिया, लेकिन इसमें इतनी अर्जेंसी क्या थी कि सेम डे वो ऑर्डर पास कर रहे हैं? कानून में कोई मुकदमा दूसरा ऐसा हुआ है कि जहाँ सेम डे सब कार्रवाई हो गई हो? नियम क्या है, कितने नोटिस दिए जा सकते हैं, और अगर मान लीजिए नोटिस देने जब गए और कोई वहां पे नहीं मिलता तो क्या किया जाना चाहिए, नियम क्या है सर? तो उस कार्रवाई चाहिए जिसका तरीका यह है कि पब्लिकेशन कराया जाए। ठीक है, अगर एक आदमी घर पे नहीं है जी, तो उसके बाद दोबारा नोटिस तामील करके भेजा जाए, और फिर न मिले तो पब्लिकेशन कराया जाए जी, तब तामील मानी जाएगी। तो क्या ये डीएम और एसडीएम ने साजिश करके मस्जिद को वहां से हटाया है, ढा दिया है, तोड़ दिया है, शहीद कर दिया है सर? देखिए, तो डीएम उस तारीख को रात में जी 17 को जब डिमोलिशन हो रहा है, तब रुशदी साहब एमएलए एक्स एमएलए हैं, उनसे मैंने कहा, उन्होंने टेलीफोन किया तो डीएम ने कहा कि हाँ मैंने भी सुना है जी, और मैं एडीएम को भेज रहा हूँ जी। तो अगर डीएम उस वक्त तक वाकिफ नहीं था जी तो फिर कैसे वो कह रहा है कि वो भी इन्वॉल्व है, अब वो डिफेंड कर रहा है उसको जी। उस वक्त तो उसने कहा कि एसडीएम ने कुछ कार्रवाई कर रहा है, मैंने आदमी भेजा, एडीएम को भेजा है जी। तो अब ये तो सब बातें अभी जबानी पर तो कुछ हो नहीं सकता, जब हाईकोर्ट इनसे पूछेगा और ये जवाब देंगे हाईकोर्ट जी, तो उसी के मुताबिक हाईकोर्ट फैसला करेगा। डीएम का पहला बयान हमारे पास है सर, जिसमें वो पहले घटना का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, धरने प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस पे पथराव कर दिया, 39 लोगों को नामजद करते हुए 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, 22 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो एसडीएम को, डीएम को क्या समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है? वो जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो शायद 19 मार्च की है बिल्कुल, जिसमें वो लोगों को परेशान कर रहे हैं बिल्कुल। तो 19 मार्च की घटना में क्या जो कुछ हुआ है, क्या उसकी बुनियाद पे वो मस्जिद को डिमोलिश कर देंगे? कौन सा अख्तियार, किस कानून ने उनको दिया है जी कि वो मस्जिद को डिमोलिश कर देंगे बगैर किसी प्रॉपर फैसले के जी, और जबकि उनके अपने रिकॉर्ड में से वो मस्जिद मौजूद है जी। एक सवाल जहन में ये भी खड़ा हो रहा है कि 3 तारीख को यानी कि 3 अप्रैल को इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया और मस्जिद को, और अब जाके करीब 1.5 महीने बाद जाके इन्होंने शहीद किया, तो 1.5 महीने तक खामोश क्यों बैठे रहे, और आप लोग क्या कर रहे थे 1.5 महीने तक? अभी तो मैं आपको बताऊं कि अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो ऑर्डर जो सर्कुलेट किया एसडीएम ने जी, वो 3 को पास किया गया है या 17 के बाद पास किया गया, ये तो फाइल को देखने से पता चलेगा जी। ये तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, उस ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है मेरे नजर में जी, क्योंकि बगैर किसी को पक्षों को सुने हुए, वो पक्ष जो अपना जवाब वहां दाखिल कर चुका है, जो हाईकोर्ट में आके रिट फाइल कर सकता है जी, उनका नोटिस क्यों नहीं लेगा जी? एक ये जानकारी क्लियर कीजिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच का कोई फैसला है जिसके मुताबिक 31 मई तक उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी निर्माण को तोड़ने पर ढाने पर रोक लगी हुई है, क्या ऐसा कोई आदेश है? जी हाँ, 24 अप्रैल 2021 का ऑर्डर है वो जी, पहले भी जब कोर्ट चला है तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था, फिर उसी ऑर्डर को जारी कर दिया, उसके पैरा 5 में लिखा हुआ है जी कि अगर कोई
स्टेट कोई कार्रवाई करेगी रिमोशन वगैरह की या लोकल बॉडी करेगी तो दे विल गो स्लो, जी यहाँ गो स्लो के बजाय गो फास्ट हो गया है, जी तो उस ऑर्डर का तो कंटेंट है ये। जी तो अब आपकी कानूनी कार्रवाई इस मामले में क्या बनेगी, आप क्या पक्ष लेके कोर्ट के सामने जाएंगे वो थोड़ा सा बता देंगे तो। देखिए हमारे अभी मशवरा चल रहा है और हम लोगों के जहन में ये है कि हम हाई कोर्ट में मैंडेमस की रिट फाइल करके ये कहेंगे जी कि ये इस तरीके की हरकत की गई है, ऐसा हमको आप मैंडेमस जारी करके जी अव्वल तो स्टेट को कहिए कि वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करे, जी और अगर आप स्टेट को ये नहीं कह सकते तो आप हमको कब्जा दिलवाइए और इसको इजाजत दीजिए कि हम मस्जिद को रिकंस्ट्रक्ट करें, और डैमेजेस इसमें दिलवाइए आप स्टेट के खिलाफ, जी और गिल्टी ऑफिसर्स को पनिश करवाइए, जी जो कार्रवाई जो रिलीफ मांगी जा सकती है मैंडेमस में वो सब मांगी जाएगी इंशाल्लाह। जो तमाम चीजें मांगी जा सकती हैं वो सब मांगी जाएगी, आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और इसको लेकर हाईकोर्ट में जाएंगे। आपने बहुत आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर।